के लिए शिक्षक नहीं है तो आप ही बताइए क्या ये आपके भविष्य से खिलवाड़ है कि नहीं। अब आप ही बताइए अगर आपका बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं। बताइए हमारी माताएं बैठी हैं, खड़ा हो पाएगा कि नहीं। जब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो क्या करेगा, गुलामी ही करनी पड़ेगी ना इन सत्ताधारी लोगों की। बताइए तो आपको अब समय आ गया है इनको सत्ता से उखाड़ फेंक, अपने अभय सिंह चौटाला जी को, माननीय अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाने का। साथियों ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता शिक्षा के नाम पर जब हम सवाल करें तो इनसे जरूर पूछेगा कि पेपर लीक की खबरें जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं उसका क्या इनके पास इलाज है। साथियों कोई भी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पर जिसकी भर्ती की परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ हो। सबसे ज्यादा हमारा समाज किसान भाई SC ST समाज इन सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देता है ताकि सरकारी नौकरी में आरक्षण के तहत उसको रोजगार मिल सके, परंतु ऐसा कोई पेपर ना हुआ जो लीक ना हुआ और इनको बहाना ना मिल गया वो सरकारी नौकरियों को रद्द करने का। साथियों हकीकत तो ये है कि BJP हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ सरकार में रहकर ये पेपर लीक और रोजगार ना देती और दूसरी विपक्ष में बैठकर आपके बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाती। अब आप ही बताइए क्या मैं आप ही बताइए इनमें से कोई भी पार्टी को हक है सत्ता में रहने का कि नहीं, बताइए कोई हक है इनको नहीं। साथियों एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं जिसके तहत चलकर UP में BSP की सरकार ने सावित्री बाई बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी जिसके तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ की लागत लगाकर इनको पढ़ाने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर और डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज़्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया था साथियों। और अभी इतिहास में पहली बार हमारे सरकारी स्कूल्स हॉस्टल्स और कॉलेजेस में हमारे सभी OBC गरीब और वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण के इंतजाम किया था साथियों, भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो साथियों ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको पूरी लिस्ट सुनाने बैठूं तो मेरा गला सूख जाएगा और समय खत्म हो जाएगा, परंतु वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है, बहन जी को पूरा विश्वास है कि जब आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ की गद्दी पे बिठाएंगे तो उसी तरह उतनी मेहनत से आपके बच्चों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खोलेंगे। साथियों आज यहाँ पर रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा मजाक हुआ है कि आज यहाँ 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, हमारा हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों BJP पिछले 10 सालों से सरकार में लगातार आसीन है, उसके बाद भी आज यहाँ 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। एक तरफ लेकर कुल मिलाकर एक तरफ 40% युवा रोजगार मांगता है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु ये भाजपा की सरकार कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाकर पक्की नौकरियां नहीं कच्ची नौकरियां देती हैं और उसमें भी वो इसलिए एक कच्ची नौकरियां देती है ताकि आपको उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पर रिजर्वेशन ना देना पड़े। साथियों एक तरफ BJP की सरकार ऐसे काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब कमजोर और बेहाल बनाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता में बैठी कांग्रेस के सारे MLA
विपक्ष में बैठकर बीजेपी को घेरने का काम नहीं कर रहे, उनसे सवाल नहीं उठा रहे, उनको काले झंडे नहीं दिखा रहे, वो उनके साथ मिले हुए आपके बच्चों को गरीब और आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ तो ये कांग्रेस और भाजपा ही है, दूसरी तरफ बहन जी की सरकार के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार मिला था, 1,00,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया गया था, 2,00,000 से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया था और 30,00,000 से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर बच्चों को विभिन्न विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। साथियों, ये सिर्फ 5 साल का काम है, ये सिर्फ 5 साल का काम है। एक तरफ भाजपा 10 साल से राज कर रही थी, उससे पहले कांग्रेस 10 साल से राज कर रही थी और आज भी 40% युवा बेरोजगार है। तो बताइए, इनकी इनकी मंशा पे आपको शक होता है कि नहीं? लगता है कि ये लोगों ने गद्दारी करी है कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी के शासनकाल में सरकारी सरकार के दौरान कृषि और एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज जिसको भी 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया था प्रतिदिन। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करा था। और यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनको जानकर हैरानी होगी, रातों रात आदरणीय बहन जी ने गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे, जिस तरीके से यहाँ पर आदरणीय अभय जी सरकार में आकर आपके लिए करेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। और अब साथियों, अगर हम महंगाई की बात करें, साथियों अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई भी आसमान छू रही है। एक समय था जब ये भाजपा के लोग सड़क पर से गैस का सिलेंडर लिए घूमते थे, बोलते थे 400 रुपये का गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। और आज आप गैस का सिलेंडर का दाम पता करा लीजिए साथियों, आज गैस का सिलेंडर 1,000 रुपया पार कर चुका है। अब इनको गैस का सिलेंडर याद नहीं आता, अब इनको स्टारबक्स में कॉफी पीनी है, अब इन्हें पिज्जा हट में पिज्जा खाना दिख रहा है, पर इनको गैस का सिलेंडर हमारी माताओं बहनों का नहीं दिखता महंगा। साथियों, जब महंगाई को नजरअंदाज कराना हो तो ये आपको बोलते हैं मुफ्त में राशन ले लो, बड़े गर्व से बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया। इनसे कोई पूछे कि अगर मुफ्त में राशन दिया है तो उसकी लागत क्या है? मुफ्त में राशन मिलने की लागत, साथियों आपको 1,000 रुपये का राशन नहीं मिलता, साल का 12,000 रुपये से राशन से ज्यादा का राशन नहीं मिला आपको। पर अगर आपके घर में हर एक बच्चे को एक एक नौकरी भी मिल जाती तो वो साल का 2,50,000 कमाकर आपके झोली में भरता। इन्होंने आपको 2,50,000 का चूना लगाया 12,000 देकर, महंगाई से भटकाया और ये अनाज देकर। साथियों, ऐसी स्कीमों से आपको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, आपके बच्चों को रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं। साथियों, अगर यहाँ पर आप NLO और बसपा की सरकार को बनाएंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में बहन जी ने लोगों को रोजगार देने का काम किया, उसे दुगनी तेजी से यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों देश के हर एक महिला पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से एक बार फिर से खास अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ बसपा और NLO के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उन लोगों को वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और NLO का
एनएलओ का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर यहां पर उन्हें भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आने वाले समय में आप सब हमारे अपने श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर आपके लिए काम करने का मौका दें। अब अंत में मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करने से पहले अपनी सारी माताएं, बहनें, सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी प्रेस के, हमारे मेहनतकश गीतकार, हमारे सभी कार्यकर्ता और नेतागण, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि अब हमारे मुख्य अतिथि श्री अभय सिंह चौटाले जी की आप बात सारी ध्यान से सुने। वो आपको आकर बताएंगे कि किस तरह आपके लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी के लिए।